सवाल ना उठे, सरकार को कोई दोष ना दे, इससे मद्देनजर शुरू से ही ये छानबीन में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी करने की कोशिश की गई। देखिए, कोई सबूत मिटाया गया, क्या सबूत ठीक रहा, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो इसका जांच अभी सीबीआई कर रहे हैं। अभी जब सीबीआई आ गए तो ममता जी खुद पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ममता जी पल्ला क्यों झाड़ रही है अब? ये लेके अधीर चौधरी का क्या, उसका अगेंस्ट में बात कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। शुरू से ही राज्यों की पुलिस सूबे की सरकार की मदद से और अपराधियों को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ कोई सवाल ना उठे, सरकार को कोई दोष ना दे, इससे मद्देनजर शुरू से ही ये छानबीन में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी करने की कोशिश की गई और ये सुनियोजित तरीके से सोच समझ के सारे छानबीन में गड़बड़ी करते हुए मुद्दा को टालने का कोशिश किए गए, जिसके चलते आज तक हमें यह नहीं पता चली कि असली अपराधी कौन है। और इससे भी और एक बात आ जाते हैं कि ममता बनर्जी खुद कहती थी उस दिन जब यह घटना घटी थी, ये संडे तक मुझे मौका दिया करो, मैं सब निकाल देंगे, ये फांसी की सजा दिलवाएंगे, सारे अपराधियों को मैं निकाल दूंगा। अभी जब सीबीआई आ गए तो ममता जी खुद पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ममता जी पल्ला क्यों झाड़ रही है अब? आपको अगर दिल में सच्चाई की भावना हो और प्रीत के प्रति आपकी कोई सहानुभूति रही तो आप जाके सीबीआई से मिले, पुलिस को कहे कि हम तो सारे सबूतों इकट्ठा कर ही रहे थे, आप हमसे मदद लो, चलो मिलके हम अपराधी को पकड़े और फांसी में लटकाएं, वो तो आप नहीं कहते। अभी आप जाके कोर्ट में भी बोल सकते हैं क्योंकि कोर्ट की निरीक्षण में सारे तब्दीश हो रहे हैं, कोर्ट में जाकर भी आप ये कह सकती ममता बनर्जी कि हमारे सूबे की सरकार ने, सूबे की पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, आपको सुविधा होगी, आप मुझसे मदद लो, वो भी तो कह सकते। लेकिन आपके दिल में खोट है, आप नहीं कहोगी, आप पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि सीबीआई पे पल्ला झाड़ दो और खुद को इससे अलग कर लो। इस कैसे हो सकते? शुरू से जिम्मेवारी आपकी थी, पुलिस मंत्री आप है, मतलब हेल्थ मिनिस्टर आप ही हो, तो जिम्मेवारी आपका ही बनती कि इसकी सही सलामत सब ये जांच पड़ताल हो, तब्दीश हो और असली जो अपराधी है, वो जो दरिंदे हैं, उनको पकड़ा जाए, उनके विचार हो, क्योंकि बंगाल के आम लोग यही चाहते हैं, और कोई मांग नहीं सूबे की सरकार से, सिर्फ वो चाहते हैं कि न्याय हो, विचार हो। देखिए, कोई सबूत मिटाया गया, क्या सबूत ठीक रहा, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो इसका जांच अभी सीबीआई कर रहे हैं, तो इसका अंदर सब दूसरा पॉलिटिकल आदमी लोग को घुसने का क्या जरूरत है? क्या हुआ नहीं है अधीर चौधरी का पता है क्या? क्या उसका एजेंट है उधर में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? सब खुद एक एक डिटेक्टिव बन गया, ये तो अजीब चीज बन गया। सब चैनल में बैठ के नहीं तो अपना खुद का पार्टी ऑफिस में बैठ के एक एक डिटेक्टिव बन के सब बयान दे रहा है। जो हुआ उसका जांच सीबीआई कर रहा है, एक हो सकता है सीबीआई के ऊपर भरोसा है और दूसरा आदमी को बोल सकता है ये सीबीआई के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, इसका बाहर में और तो कुछ बोलने वाला चीज नहीं है। सीबीआई जांच करके उसका रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगा, इसका अंदर अधीर चौधरी किधर से आ रहा है? और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो चिट्ठी लिखा,
वो चिट्ठी का जो सारांश है, समरी है, वो है 140 करोड़ आम जनता, भारत का आम जनता का हृदय का जो बात है वो है ये चिट्ठी में। ये ऐसा घिनौना अपराध के लिए हाईएस्ट पनिशमेंट चाहिए, जल्दी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो ये लेके अधीर चौधरी का क्या, उसका एगेंस्ट में बात कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए।